सावधान हो जाइए, मई 2023 में आपके अकाउंट से 436 रुपये कटने वाले, लेकिन क्यों कटने वाले ये आपको पता होना चाहिए। और इस आप इसको अगर नहीं कटवाना चाहते तो उसके लिए क्या करना है तो मैं वीडियो बताऊंगा, वीडियो में पूरा बताऊंगा, वीडियो पूरा देखना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और बैंक से जुड़ी हुई जानकारी पाने के लिए, अटल पेंशन योजना की जानकारी पाने के लिए, सुकन्या समृद्धि योजना की जानकारी पाने के लिए, कन्या उत्थान योजना की जानकारी पाने के लिए और भी बैंकों से जुड़ी हुई जानकारी पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और चैनल के प्ले लिस्ट में जाओ, वहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। बहुत सारे लोगों ने, लाखों लोगों ने वीडियो देखा है, आप भी जाइए, क्योंकि लाखों लोगों को अच्छा लगा इसलिए वीडियो देखा है, आप भी जाइए वीडियो देखिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भैया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 436 आपके अकाउंट से क्यों कटने वाले, चलिए देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना भारत सरकार ने शुरू की हुई थी, जिसके तहत हर साल 330 रुपये कटते थे, वार्षिक प्रीमियम 330 रुपये था, लेकिन मई 2022 से इसको बढ़ाकर 436 रुपये कर दिया गया है। 436 रुपये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कहते हैं। इसमें जो इंश्योरेंस करवाता है तो उसको पैसे नहीं मिल पाते हैं, लेकिन नॉमिनी, उसकी मृत्यु के पश्चात नॉमिनी को 2 लाख रुपये मिलते हैं। हर साल ये रिन्यू हो जाता है 436 रुपया, और इसको 18 साल से 50 साल तक की जो भी लड़के लड़की आदमी औरत जो भी ले सकते हैं। और ये हर साल रिन्यू होता है, इसका टाइम होता है 1 जून से लेकर 31 मई तक का जो इंश्योरेंस का रकम है वो कितनी होती है, 436 रुपये। मतलब 31 मई को ये पूरा होने वाला है इंश्योरेंस, उससे पहले 31 मई से पहले ही रिन्यूअल हो जाता है, यानी मई महीने में 436 रुपये आपके अकाउंट से कटेंगे, जो कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के होंगे। रुकिए रुकिए, बहुत सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। 436 रुपये आप करवा सकते हो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, बहुत अच्छी योजना है, सरकार की योजना है और अच्छी योजना है। आपके नॉमिनी को आपके बाद अगर कोई घटना घटित हो जाती है तो नॉमिनी को राहत रहेगी, लेकिन बहुत सारे लोग इसको पैसे को नहीं भर पाते। बहुत सारे लोगों का दूसरा बीमा भी होता है तो वो लोग नहीं करवाना चाहते, इसको बंद करवाना चाहते हैं। बंद करवाना कैसे है, चलिए मैं बताता हूँ। बंद करवाने के लिए आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन लिखनी है, एप्लीकेशन बिल्कुल आसान है, छोटा सा फॉर्म भरना है समझ लो, और बहुत ही आसान है, कोई भी छोटा बच्चा से भी भरवा सकते हो, अड़ोसी पड़ोसी किसी से भी भरवा सकते हो, जिसको लिखना आता हो क ख ग, ठीक है, हिंदी में है, आप बहुत आसानी से लिख सकते हो। और हाँ, लिखते समय और एप्लीकेशन देते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है वो मैं बताऊंगा, वीडियो पूरा देखना तभी आपको पता चल पाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते, लेकिन उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को जैसे मैंने कि बताया, बंद करने के लिए एक एप्लीकेशन लिखना है, एप्लीकेशन कोरे कागज पर प्लेन पेपर पर लिख सकते हैं, किसी से भी लिखवा सकते हैं, जैसा मैंने बोला है वैसा ही सेम टू सेम लिखना है। सबसे पहले शुरू करिए यहाँ पर सेवा में, सेवा में लिखने के बाद ब्रांच मैनेजर लिखिए, ब्रांच मैनेजर लिखने के बाद यहाँ पर शाखा का नाम लिखिए, अपनी शाखा कौन सी है, ब्रांच कौन सी है, उसके बाद लिखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैंने बनाया था लेटर, लेकिन आप अपना यूको बैंक लिखिए, ठीक है, यूको बैंक लिखिए। और यूको बैंक लिखने के बाद यहाँ पर तारीख अवश्य डालिए, जिस तारीख को आप एप्लीकेशन लिख रहे हो यहाँ पर तारीख अवश्य लिखिए। आप बोलोगे तारीख क्या मतलब है भाई, भूल गया तो क्या हो गया, लेकिन इसका महत्व मैं बताऊंगा वीडियो में, वीडियो पूरा देखना। अब लिखिए विषय, विषय में लिखिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY जिसको बोलते हैं को बंद करने हेतु आवेदन पत्र। अब लिखिए नीचे श्रीमान, श्रीमान लिखने के बाद एक नंबर पर लिखिए, मैं वीडियो में फटाफट इसलिए बोल रहा हूँ ताकि वीडियो फटाफट पूरा हो जाए और आपको काम की बात सब पता चल जाए, नहीं तो आप वीडियो को फटाफट भगवाओगे, उससे अच्छा बेहतर है यही कि वीडियो में फटाफट बोलो, ठीक है। समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, नहीं समझ में आ रहा है कुछ राय देनी है तो राय जरूर देना कमेंट बॉक्स में। लिखिए यहाँ पे सीरियल एक नंबर पर लिखिए मेरा नाम, मेरा नाम ऐसा लिखने के बाद अपना पूरा नाम जो बैंक की पासबुक में है वो लिखिए, उसके बाद यहाँ पे खाता संख्या लिखिए, खाता संख्या लिखने के बाद खाता संख्या बैंक की पासबुक में देखकर यहाँ पे लिखिए, और CIF नंबर यानी कस्टमर आईडी ऐसा लिखिए, उसके बाद यहाँ पे लिखिए नंबर जो होता है वो बैंक की पासबुक में लिखा हुआ है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बैंक की पासबुक में देखकर ये तीनों चीज़ें भर दीजिए। और लिखिए आगे मेरा आपकी बैंक की शाखा में अकाउंट है, ये लिख दिए, फर्स्ट पैराग्राफ पूरा हो गया। अब सेकंड पैराग्राफ में आइए, मेरे अकाउंट से हर साल प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 436 रुपये कट रहे हैं, कृपया करके उसे इस साल से बंद करें और कोई भी राशि मेरे अकाउंट से ना काटे। आप सोचोगे भैया हर साल नहीं कट रहे, इस साल ना कटे, देखिए दोस्तों इसको इस तरह ही लिख देना ताकि अगर गलती से कट गया हो और आप नहीं कटवाना चाहते हो तो आप उसका रिफंड ले सको। रिफंड कैसे लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, चलिए देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति ऐसा लिखने के बाद, ठीक है, 436 रुपये कृपया करके इसे बंद करें, कोई भी राशि मेरे अकाउंट से ना काटे। अब देखिए नीचे आइए, नाम और पता ऐसा लिखने के बाद अपना नाम और पता पूरा लिखिए, उसके बाद मोबाइल नंबर लिखने के बाद मोबाइल नंबर यहाँ लिखिए, और सिग्नेचर हस्ताक्षर लिखने के बाद यहाँ पे हस्ताक्षर कीजिए। हस्ताक्षर वही करना है जो आपकी बैंक की बैंक में चलता है हस्ताक्षर। अब इसका होगा क्या है? आप बोलोगे तो ये एप्लीकेशन लिखने का मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, ये एप्लीकेशन को लेके जाइए बैंक अधिकारी के पास। उससे पहले बैंक में जाते समय आपने एप्लीकेशन तो लिख लिया, बैंक में जाते समय रास्ते में फोटो स्टेट की दुकान दिखाई देगी, वहाँ पर इसकी फोटो स्टेट करवाइए, या बैंक के बगल में या कहीं पर भी फोटो स्टेट दिखाई देती है आप इसको फोटो स्टेट करवाइए, 1 या 2 रुपया लगेगा। फोटो स्टेट करवाने के बाद बैंक के अधिकारी के पास जाइए, उनको एप्लीकेशन दीजिए जो आपने लिखी हुई है, देने के बाद वो देखेंगे
देखेंगे, बोलेंगे हाँ ठीक है हो जाएगा, बंद हो जाएगा। वो जैसे ही बोलेंगे बंद हो जाएगा, तो वैसे ही आपको अपनी जेरो जो फोटो स्टेट करवाया है लेटर, इसका इस लेटर का जो फोटो स्टेट करवाया है वो देना है बैंक अधिकारी को। बोलना है श्रीमान जी सर मेरे इस जेरोक्स पे फोटो स्टेट पे आप सिग्नेचर कर दीजिए, हस्ताक्षर कर दीजिए, स्टैम्प लगा दीजिए और आखिरी तारीख लिख दीजिए, ताकि मुझे भी तसल्ली हो सके कि मैंने आपको दिया है और आपको मिल गया है। तो वो बोलेंगे नहीं मैं कर दूंगा ये कर दूंगा, वो आपको समझाने को, लेकिन आपको रिसिप्ट ले लेना है ज़रूर। बैंक अधिकारी सर को बोलना है सर आप लिख दीजिए, इस सिक्का लगा दीजिए और यहाँ पर सही कर दीजिए और सिग्नेचर कर दीजिए और यहाँ पर तारीख लिख दीजिए और ये मुझे दे दीजिए ताकि मैं इसको संभाल कर सकूँ। होगा क्या इससे, होगा क्या आप 2023 हो, 2024 हो, 25 हो, 26 हो, 27 हो, 2000 कोई भी हो, आपका अगर अकाउंट से गलती से 536 रुपये कट गया है तो आप ये लेटर ले जाकर बता सकते हैं कि मेरे अकाउंट से इतना पैसा कट गया है, गलती से कट गया है, मैंने एप्लीकेशन दी हुई थी फिर भी कट गया है, तो आपको रिफंड मिल सकता है। फिलहाल इतना ही, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।